नमस्ते। आज हम लोग ज्ञान सागर में प्रवेश करेंगे और ज्ञान सागर में पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है हम पंछी उन्मुक्त गगन के एक कविता आपको पढ़नी है। हम पंछी उन्मुक्त गगन की जो कविता है वो शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये कविता का नाम है और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। जो शिव मंगल सिंह सुमन जो है कवि थे ये बहुत ही बड़े कवि थे और इनके विचारधारा जो थी वो प्रगतिवादी विचारधारा थी। इनका जन्म सन 1915 5 अगस्त सन 1915 को इनका जन्म हुआ था। श्री मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। श्री मंगल सिंह सुमन जी हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि थे और इनका जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था और इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को काफी समृद्ध करने का काम किया था। बीएचयू से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डिलीट करने के बाद ये मध्य प्रदेश के विक्रम यूनिवर्सिटी में वहां के कुलपति हो गए, वाइस चांसलर हो गए और इनकी कविताएं मन में ओज भरने वाली कविता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिट्टी की बारात रचनाओं में मिट्टी की बारात जो है काफी ख्याति प्राप्त रचना है। मिट्टी की बारात के बाद हिल्लोल हिल्लोल और जीवन के गान ये इनके वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन मिट्टी की बारात जो है
ये सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त रचना है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूं, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। तो इनके ही कविताओं में चलना हमारा काम है, और हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो है ये काफी ख्याति प्राप्त प्रसिद्धि मिली हुई कविताएं हैं इनकी। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता जो पढ़ने हम लोग जा रहे हैं, इस कविता की पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं स्वाधीनता की, स्वतंत्र होकर रहने की। बेटे अभी का परिवेश है कि विश्व में कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, इसके चलते आपको घर में बंद रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुत ज्यादा आवश्यक कार्य हो गया तो ऐसी स्थिति में आप घर से बाहर जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन से ये घोषणा की गई सरकार के द्वारा कि आपको घर में घर के अंदर रहना है, आपकी बेताबी बढ़ गई। आप इन केन प्रकार आप ये चाहें कि हम घर से बाहर निकले, थोड़ा घूम लें, टहल लें, दोस्त यार से बातें कर लें, बाहर का नजारा देख लें, ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी के दबाव में रहना नहीं चाहते, आप बंद होकर के रहना नहीं चाहते, घर में बंद होकर के। मैंने एक लड़का से पूछा, भाई तुम घूम रहे हो अभी तो घर में रहना है? उसने कहा, सर घर में कितना रहो, रह रह करके उठ गया, इसलिए मैं घूम रहा हूं। तो मनुष्य जो है स्वतंत्रता प्रेमी है, स्वाधीन रहना चाहता है, और बेटे ये स्वाधीनता न केवल मनुष्य के बल्कि पशु पक्षी जो है वह भी चाहते हैं कि हम स्वाधीन होकर के रहें, स्वतंत्र होकर के रहें। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में कोई अगर पशु पाले हुए हैं, गाय पाले हुए हैं, भैंस पाले हुए हैं, उसके बच्चे को थोड़ा बांध करके रखा गया है, किसी कारण से अगर खुल जाता है पूरा दौड़ लगाना शुरू कर देता है। या आप एक कुत्ता पाले हुए हैं, कहीं खुल गया तो फिर उसके पीछे आप दौड़े, दौड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बंधन से मुक्त हो गया है, वो बंधन से मुक्त हो गया है। तो मुक्ति हर प्राणी के लिए प्रिय है, स्वाधीनता हर प्राणी के लिए प्रिय है। बंदी में, बंदिश में, कैद होकर के रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता।
हम पंछी उन्मुक्त गगन कक्षा में कवि श्री मंगल सिंह सुमन एक पक्षी के माध्यम से, एक चिड़िया के माध्यम से आजादी के महत्व को, स्वतंत्रता के महत्व को, स्वाधीनता के महत्व को हमारे सामने रखने की कोशिश की है। कवि के अनुसार ये स्वाधीनता जितनी आजाद होकर के हम रहना चाहते हैं, उतने ही आजाद होकर के पशु पक्षी भी रहना चाहता है। पशु भी उतनी ही आजादी चाहता है, पक्षी भी उतना ही आजादी चाहता है जितना हम और आप चाहते हैं। तो पक्षी की इसी व्यथा को इस कविता ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक इस कविता में कवि ने हमारे समक्ष रखने की कोशिश की है। आइए हम लोग देखते हैं कविता को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिजड़बद्ध ना गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिजड़बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगौरी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी के झूले, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाते, या तो ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, नीर न दो चाहे कहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कविता को। पक्षी अपनी व्यथा बताते हुए कहता है कि ए मानव, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ए भाई ए मानव, हम खुले आसमान की पंछी है और तुम मुझे पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हो, तो मैं पिंजरे में रह करके खुश, पिंजरे में बंद होकर के खुश नहीं रह पाऊंगा, पिजड़बद्ध ना गा पाऊंगा, पिंजरे में कैद होकर के मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिजड़बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मैं मानता हूं कि तुम मेरे लिए काफी कीमती पिंजरे की व्यवस्था कर दोगे, सोने का पिंजरा बना दोगे, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन जब मैं पुलकित होऊंगा
खुश होऊंगा और खुशी में पंख फड़फड़ाऊंगा तो मेरे पंख जो है वो उस सोने की तीलियों से टकरा करके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, है ना। कनक की तीलियों, कनक मतलब सोना, कनक माने सोना, कनक तीलियों सोने की तीलियों से, है ना, सोने की कमाचियों से, सोने के पतले छड़ों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, मेरे फैले हुए पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल, मेरी तो आदत है, हमारी आदत है कि हम बहते जल को पीने वाले प्राणी हैं। हम बहता जल पीने वाले, हम बहते जल को पीने वाले प्राणी हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, भाई तुम मुझे पिंजरे में बंद करके रखोगे ना तो मैं भूखे प्यासे मर जाऊंगा। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैं दासी, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैं दासे। ए भाई तुम मुझे कैद करके, तुम मुझे बंदी बना करके अच्छे अच्छे भोजन भी दोगे, सोने के कटोरी में मैदे से बनी हुई चीजों को भी तुम दोगे, अच्छी अच्छी चीजों दोगे, चीजें दोगे खाने के लिए, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पकवान वो अच्छी चीजें क्या है, वो बंदिश में की चीजें हैं, कैद होकर मिलने वाली चीजें हैं, और कैद होकर के मिलने वाली चीजें मुझे पसंद नहीं है। मुझे उस पकवान से, उस अच्छे लजीज व्यंजन से तो कहीं ज्यादा अच्छा है मेरे लिए कटुक निगौरी, है ना, कड़वे नीम का फल। मुझे कड़वे नीम का फल कहीं अच्छा ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हारे द्वारा दिए गए सोने के कटोरी में मैदे से बनी हुई चीजों से कहीं ज्यादा अच्छा मुझे लगता है नीम का फल, क्योंकि नीम का फल जो मुझे मिलता है, मैं जो खाता हूँ, वो स्वाधीनता का फल है, और ये जो सोने की कटोरी में जो मिलने वाला जो लजीज व्यंजन है वो क्या है, पराधीनता के मिला हुआ कैद होकर के, कैद करके दिया गया भोजन है, तो कैद होकर के मिलने वाला अच्छा से अच्छा भोजन मुझे पसंद नहीं है, जबकि आजाद होकर के घटिया से घटिया खराब से खराब भोजन भी मुझे अच्छा लगता है ना? कड़वे नीम का फल मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो नीम का फल आजादी से मिला हुआ, आजादी का मिला हुआ फल है, उन्मुक्त है ना, खुले आसमान में व्यंजन ये उड़ान भर करके मैंने उसे प्राप्त किया है ना, उस पर किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, वो स्वाधीनता का फल है, वो आजादी से मिला हुआ फल है। चलिए थोड़ा सा प्रश्न हो जाए, आज दो अनुच्छेद हम लोग ने देखा, एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पक्षी अपनी व्यथा को बताते हुए मनुष्य से अनुरोध करता है, मानव से अनुरोध करता है, ए मानव हम खुले आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं, तुम मुझे पिंजरे में बंद करते हो तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, तुम कीमती से कीमती पिंजरे में भी मुझे बंद रखोगे फिर भी मैं बंद खुश नहीं रह पाऊंगा, मेरे पुलकित पंख, मेरे फैले हुए पंख उस सोने के तिलियों से टकरा कर टूट जाएंगे, हम तो बहते हुए जल को पीने वाले प्राणी हैं, तुम मुझे पिंजरे में बंद करके रखोगे तो मैं भूखे प्यासे मर जाऊंगा, मुझे तो आजाद होकर के आजादी के
नीम का फल मुझे अच्छा लगता है, अगर तुम मुझे बंदी बना करके सोने की कटोरी में मैदे से बने हुए अच्छे व्यंजन भी दोगे वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पराधीनता का व्यंजन है, मुझे तो स्वाधीन होकर के मिलने वाला नीम का फल कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। मैं क्या बताऊं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले कर, आगे कल की कक्षा में मैं बताऊंगा, आज की कक्षा में बस इतना ही। कुछ प्रश्न लिख लीजिए, अच्छा प्रश्न मैं आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत है कि ये बोर्ड पर स्पष्ट नहीं दिखता है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर पोर्शन भी फर्स्ट फॉर्मेटिव का और प्रश्न भी मैं दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, धन्यवाद।